नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक जदरा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोना कॉमस्टार के ऊपर। जैसा कि आपने यहाँ पे थंबनेल में देखा कि अगर ऐसा हुआ तो यह कंपनी सोना उगलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जो कि अगर फ्यूचर में सच होते हुए हम लोगों को देखने को मिलेगी तो यह कंपनी 100% यहाँ पे सोना उगलते हुए ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो मैं ऐसा यहाँ पे बोल क्यों रहा हूँ, उसके पीछे भी तो कुछ रीज़न ज़रूर से होना चाहिए दोस्तों। एंड वो रीज़न है, उस रीज़न पे डायरेक्ट चलने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे देखने चाहेंगे, जिससे कि आप लोगों को जो क्लियरिटी है वो थोड़ा सा और जो व्यू है वो थोड़ा सा और साफ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिले। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एलन मस्क का फोटो एंड टेस्ला गाड़ी की यहाँ पे फोटो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बातें हैं वो इन्हीं लोगों से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। कल आप लोगों को एक न्यूज़ यहाँ पे सुनने को मिल रही थी कि एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, वो इंडिया के 3 फर्मों के साथ यहाँ पे जो ऑटो के पार्ट्स होते हैं उसको खरीद सकती है। ऐसा यहाँ पे हम लोगों को न्यूज़ आते हुए देखने को मिला था, जिसमें से हमारी कंपनी सोना कॉमस्टार भी एक देखने को मिल जा रही थी। तो देखा जाए तो ये जो न्यूज़ थी वाकई में ही काफ़ी शानदार है, हम लोगों को देखने को मिल जा रही थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो सोना कॉमस्टार की ओर से एक बयान यहाँ पे जारी होते हुए हम लोगों को देखने को मिल गया है, उसी को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर हम टेस्ला की बातें करें, एलन मस्क की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें दोस्तों, तो एक चीज़ यहाँ पे मान के चलिएगा कि इंडिया में इनका पार्टनरशिप किसी भी कंपनी के साथ वहाँ अगर होता है तो इतना मान लीजिएगा कि उस वो कंपनी रॉकेट बन के जरूर, मतलब रॉकेट की तरह जरूर भागते हुए आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड चांसेस ज़्यादा है कि हमारी कंपनी सोना कॉमस्टार के साथ इनकी पार्टनरशिप भी हो सके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। अभी हम यहाँ पर सीधा न्यूज़ के ऊपर आ गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है सोना BLW, जिसको यहाँ पे आप हम लोग सोना कॉमस्टार के भी नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम आप देख सकते हैं सोना BLW प्रिसीजन फॉरिजन लिमिटेड, इसका पूरा नाम यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्लियरिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही थी कि यहाँ पे जो कल न्यूज़ें हम लोग को आते हुए देखने को मिल जा रही थी, जो कि रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रही थी, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स एंड बिजनेस स्टैंडर्ड की ओर से यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा था 29 अगस्त 2021 में की चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है वो टेस्ला कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे इंडियन की 3 फर्मों से रिलेटेड, 3 कंपनियों से रिलेटेड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को ये न्यूज़ देखने को मिल जा रही थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि द कंपनी सेट इज नॉट इंगेज इन एनी डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ कंपोनेंट ऑफ टेस्ला फॉर इट्स इंडिया प्लान। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो कंपनी है उसने साफ साफ ये बोला है कि हमारी कंपनी का यहाँ पे टेस्ला के साथ ऐसी कोई भी चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। जो कम ऑटो कंपोनेंट्स जो यहाँ पे सप्लाई करने से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ आ रही थी, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ उसको यहाँ पे बोला है कि ये सभी आप लोगों को अफवाह ही देखने को मिल रही है, इस तरह की चीज़ें हम लोग कोई भी यहाँ पे बातचीत यहाँ पे टेस्ला से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, सोना कॉमस्टार की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें दोस्तों, तो विदेशों में ये टेस्ला को अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑटो के वो देती है, लेकिन इंडिया में अभी इस तरह की चीज़ें इस तरह की से रिलेटेड बातें यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। तो यही वो न्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही थी, जो कि एक अच्छी बात है कि यहाँ पे सोना कॉमस्टार ने, सोना BLW प्रिसीजन फॉरिजन ने यहाँ पे बहुत ही जल्द यहाँ पे एक्शन लिया। एंड यहाँ पे जो इनके इन्वेस्टर है उनको बोल सकते हैं क्लियरिफिकेशन दिया कि इस तरह की चीज़ें नहीं चल रही है, आप लोग इस तरह के अफवाहों में अभी ना फंसे, ठीक है। एंड देखिए, जैसे ही यहाँ पे ये न्यूज़ सामने आई, हम बोल सकते हैं कि उसी कारण के वजह से आज हमारी कंपनी में ये गिरावट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि 2.5% से ज़्यादा की ये गिरावट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे
इनका जो कमिटमेंट है, इनका जो क्लेरिफिकेशन, वो बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे फ्यूचर की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमारी कंपनी सोना कॉमस्टार एंड टेस्ला के साथ टाई अप हो जाए दोस्तों, एग्रीमेंट्स हो जाए, ऑटो कंपोनेंट्स जो ऑटो पार्ट्स इनको यहाँ पे देने हैं टेस्ला को, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें एक बड़ी रैली, बहुत बड़ी रैली आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे टेस्ला से रिलेटेड एक और बड़ी न्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है कि ये यहाँ पे इंडिया में अपने चार गाड़ियों का, यहाँ पे चार अलग अलग तरह के गाड़ियों का यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं लाने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे इनको जरूर से 100% ऐसा उसमें कोई भी ये नहीं है कि 99.99 ऐसा कुछ नहीं, 100% इनको जो गाड़ियों में पार्ट्स यूज होंगे दोस्तों, उसके लिए इनको किसी ना किसी कंपनी के साथ यहाँ पे टाई अप करना होगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो सोना कॉमस्टार, सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जन, जिसको हम लोग सोना कॉमस्टार के भी नाम से जानते हैं, तो इसको आप अपनी नज़र में रख सकते हैं। एंड अगर इस कंपनी के चार्ट की बातें करें तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, जब से यह कंपनी आई तब से धमाली मचा रही। तो आप देखिए कि 37% का रिटर्न इस कंपनी ने जून से अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इस कंपनी को यहाँ पे बाय करने से रिलेटेड सोच रहे हैं, अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट है या कुछ भी हो, तो दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि ये कंपनी एक फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है। चाहे तो इसके आप किसी भी डाटा को यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड वहीं पर अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम में एक अच्छा मौका यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि अगर टेस्ला वाली न्यूज़, जैसा कि हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे इनसे हो सकती है पार्टनरशिप ही, तो हम ये कंपनी आपको जहाँ 3 डिजिट में देखने को मिल रही है, वहाँ पे 4 डिजिट में भी देखने को मिल जाएगी। तो इससे पहले ज़्यादा देर ना हो, आप लोग इस कंपनी को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो सिक्के के दोनों ही पहलू आप लोगों के ही ओर रहने वाले हैं। क्योंकि पहली चीज़, अगर आप इसको यहाँ पे बाय कर लेते हैं, तो ये कंपनी एक फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी भी है, तो यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं है कि बाय कर लें एंड यहाँ पे जो पार्टनरशिप की बात चल रही है नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये फंडामेंटल स्ट्रांग है, रिटर्न्स भी आपको अच्छा देख के जाएगी, जैसा कि आपने 3 महीने में देख भी चुका है। सो अगर आपको बाय करना है, तो प्रेजेंट टाइम एक अच्छा मौका है, जबकि न्यूज़ सच होने से पहले अगर आप इसको यहाँ पे बाय करते हैं, तो एक अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पे कमा सकते हैं।